हेलो गाइस, प्रतीक हियर। तो आज हम बहुत सारी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री की न्यूज के बारे में बात करेंगे। तो आज हमारे पास बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज है, ऑल थैंक्स टू जिन्होंने न्यूज हमें इंस्टाग्राम पर शेयर करे, वंस अगेन थैंक यू। और जिनके पास ऐसा ही न्यूज है वो हमें इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज की पहली न्यूज है भुवन चौहान की तरफ से। भुवन के बारे में बहुत बड़ी और कन्फर्म न्यूज सूत्रों के जरिए पता चल गई है। आई गारंटी कि ये न्यूज कन्फर्म है क्योंकि हमारे जो सूत्र है वो बहुत ट्रस्टवर्दी है। न्यूज ये है कि भुवन इस साल के ओलंपिया क्वालिफायर को नहीं खेलने वाले, मतलब अल्टीमेटली इस साल के ओलंपिया में नहीं खेलने वाले। आप इस चैट को पॉज करके पढ़ सकते हैं। मतलब अब ये तो कन्फर्म हो गया है कि भुवन इस साल के ओलंपिया को नहीं खेलने वाले, बट इसका मतलब ये नहीं कि भुवन कम्पीट नहीं करने वाले। उन्होंने कल ये पोस्ट डाली थी और अपनी फिजिक अपडेट शेयर करी। और नीचे लिखा है 11.5 वीक्स आउट, स्टैंडिंग एट 233 LBS। फिजिक की बात करें तो चेस्ट, जो उनका एक वीक पॉइंट था, उसमें सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट करे है। वेस्ट टाइट रखी है, शोल्डर्स हमेशा की तरह राउंड और बड़े लग रहे हैं। तो लेट्स सी 11 हफ्ते बाद कौन से शो को चूज करेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट है, हॉस्टलर है या फिर बजट की वजह से वे प्रोटीन अवॉइड कर रहे थे, तो आप सभी के लिए खुशखबरी है। एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन, जो इंडिया का जाना माना सप्लीमेंट ब्रांड है, वो आप सभी फिटनेस फ्रीक, एथलीट्स और हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए हाई क्वालिटी वे प्रोटीन लेकर आया है, जो बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी ट्राई करके रिजल्ट पाए है, इंक्लूडिंग मी। इस वे प्रोटीन के एक स्कूप में आपको 26 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलेगा। इतना ही नहीं, 6 ग्राम BCAA मिलेंगे, तो आपको बाहर से BCAA सप्लीमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। 3.96 ग्राम ग्लूटामिन मिलेगा, तो आपकी रिकवरी भी हो जाएगी। इस वे प्रोटीन के एक स्कूप में 66 mg डाइजेस्टिव एंजाइम मिलाया गया है, इससे आपके डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छी रहेगी। ये प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर करते हैं कैग इंडस्ट्रीज, वही पतंजलि के मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है, तो आप इस प्रोडक्ट पर पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकते हो। और ऊपर से आपको यूनिक QR कोड मिलेगा जिससे आप ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हो। सो आप इसे जरूर परचेस कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसे खरीदते वक्त आप प्रतीक 20 ये डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हो, इससे आपको 1000 रुपए की परचेस पर 100 रुपए तक डिस्काउंट मिल सकता है। सेकंड अपडेट है हार्डी शोपन की तरफ से। हार्डी ने पिछले कुछ दिनों में अपनी दो फिजिक अपडेट पोस्ट करी है। वाओ, ओलंपिया से 15 वीक्स आउट हार्डी ऑन पॉइंट लग रहे हैं। साइज तो देखो यार, कितने कम टाइम में बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट करी है, बट स्टिल कंडीशनिंग को मेंटेन रखा है। एब्स एकदम हार्ड, टाइट, चंकी दिख रहे हैं। चेस्ट में फाइबर सच्चे हैं। शोल्डर्स, आर्म्स बढ़िया लग रहे हैं। लेग्स में सेपरेशन अच्छा है। वैस्कुलरिटी बढ़िया है। हार्डी के साथ कंडीशनिंग की प्रॉब्लम कभी नहीं रहती, साइज ही मेन प्रॉब्लम है। इस अपडेट में वो बड़े लग रहे हैं, बट रैमी के साइज के सामने टिक पाएंगे या नहीं ये देखना पड़ेगा। हार्डी से सभी की उम्मीदें हैं, बट हार्डी को जल्दी USA में एंट्री मिल जाए। होप फॉर द बेस्ट। तीसरी अपडेट है डेरेक लंग्सफोर्ड की तरफ से। डेरेक ने हनी रैम्बोर्ड के साथ ट्रेनिंग लेने के बाद फर्स्ट टाइम अपने कुछ फिजिक अपडेट पोस्ट करे हैं। डैम, इनके लाइंस प्रोपोर्शंस लाजवाब है। मुझे समझ नहीं आता 212 वेट क्लास में रहकर भी इतना ज्यादा मसल मास कैसे कैरी कर लेते हैं। जस्ट लुक एट दिस शियर मास। इस फोटो में उनकी चेस्ट राउंड, फुल, मैसिव लग रही है। शोल्डर्स, जो हमेशा से उनका एक वीक पॉइंट था, उसे ग्रो करा है। उनके शोल्डर्स पॉप नहीं करते, आर्म्स उसे ओवरशैडो कर देते हैं। लेग्स, जो हमेशा से उनका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, बट कंडीशनिंग मेन इशू था। आई गेस इसका कारण वेट लिमिट हो सकता है। इस साल उनके कोच है हनी रैम्बोर्ड, जो उनके साथ क्या कमाल कर पाते हैं ये देखना पड़ेगा। या हार्डी शोपन जैसे इन्हें भी ओपन में स्विच करवा देंगे। आपको क्या लगता है, डेरेक 212 में अच्छे है या फिर उन्हें ओपन में स्विच करना चाहिए। फोर्थ अपडेट है काइग्रीन की तरफ से। तो काइग्रीन ने फिर एक बार अपने कमबैक का अनाउंसमेंट कर दिया है। काइग्रीन लिखते हैं, वॉर इज कमिंग, काई वर्सेस फिल, मार्क योर कैलेंडर्स। बट मैं ये मानने को अभी भी तैयार नहीं हूँ, क्योंकि काइग्रीन बहुत बार पहले ऐसा कर चुके हैं बट कभी भी कमबैक नहीं करा। काइग्रीन बॉडी बिल्डर से ज्यादा सेलिब्रिटी या एज ए बिजनेसमैन ज्यादा फेमस है, जो हमेशा न्यूज में बना रहना चाहता है। सो इसलिए वो हर साल ऐसे पोस्ट करते रहते हैं। जब तक ओलंपिया खुद या फिर जेक वुड, डैन सोलोमन, IFBB इसके अनाउंसमेंट नहीं करता, तब तक ये मानने को मैं तैयार नहीं हूं, या फिर इस न्यूज को वेरीफाई नहीं बताऊंगा। बट अगर काइग्रीन कमबैक करते हैं तो इस साल का ओलंपिया यादगार होगा। काई वर्सेस फिल, काई वर्सेस रैमी, ये बैटल्स देखने में मजा आएगा। सो लेट्स प्रे फॉर इट। आपका ओपिनियन क्या है कमेंट करना। पांचवी अपडेट है जस्टिन रॉड्रिग्स की तरफ से। जस्टिन ने इस साल के इंडी प्रो को जीतकर ओलंपिया को क्वालिफाई किया है और 11 वीक्स में अर्नोल्ड क्लासिक में खेलने का कंफर्म किया है। जस्टिन इस साल एक पोटेंशियल एथलीट के तौर पर उभर कर आए हैं। पिछले साल भी टॉप 10 को क्रैक करने के बाद इस साल सेम कंसिस्टेंसी दोहरा रहे हैं। उनकी फिजिक अच्छी से और अच्छी बनती जा रही है। उन्होंने इंडी प्रो में कंडीशनिंग को नेल किया था। उन्होंने अर्नोल्ड क्लासिक से 11 वीक्स पहले की अपनी फिजिक अपडेट शेयर करी है। इसमें साइज बहुत बढ़िया है, स्ट्रक्चर लाजवाब है, स्मॉल वेस्ट, वाइड लैट्स, वाइड शोल्डर्स, बट लेग्स उनका एक मेन प्रॉब्लम है। लेग्स अपर बॉडी को मैच नहीं करते। अगर वो समहाउ बॉडी को बैलेंस कर पाते हैं तो अर्नोल्ड क्लासिक में टॉप 5 को क्रैक करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है।
अगले अपडेट है जेम्स हॉलिंगशेड की तरफ से। जेम्स ने ओलंपिया से 14 वीक्स आउट ये फिजिक अपडेट शेयर करी है। आपके जानकारी के लिए जेम्स पिछले साल का 2 ब्रोज प्रो ये शो को जीतकर ओलंपिया को क्वालिफाई कर चुके हैं, सो डायरेक्टली ओलंपिया में आने वाले हैं। फिजिक को देखे तो मसल मास बहुत अच्छा है, उनका स्ट्रक्चर शॉर्ट है बट उस पर डेंस मसल मास है। प्रॉब्लम है कंडीशनिंग और मसल बैलेंस के इंसर्शंस। उनके बॉडी में मसल मैच्योरिटी की कमी है इसलिए फाइबर्स नहीं दिखते, सो देखते हैं 1 साल के गैप के बाद कितने इंप्रूवमेंट्स करे हैं। लास्ट अपडेट है माइक सॉमरफील्ड की तरफ से। मुझे ये उभरते हुए क्लासिक फिजिक स्टार लगते हैं। इनके लाइन स्ट्रक्चर सेम टू सेम इस डिवीजन की जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे ही है, सो लेट्स सी इस फिजिक। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो के लिए सब्सक्राइब भी करना। अगर आपके पास बॉडी बिल्डिंग फील्ड से रिलेटेड कोई न्यूज़ है तो हमें इंस्टाग्राम पर शेयर करना। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।